Hello everyone, welcome to Dinesh Science Solution, that is DS2. As we have seen before, microsporangium and microsporogenesis. ठीक है, हमने क्या देखा, हमने मेल गैमेट जो है उसका फॉर्मेशन और फ्लावर्स में मेल गैमेट, एंड्रोशियम का स्ट्रक्चर फॉर्मेशन एंड ये सारे प्रोसेसेस देखे हैं. ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हम मेगास्पोरेंजियम दैट इज़ फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर, इसके बारे में देखेंगे. ठीक है, अब फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को हम क्या कहते हैं, गाइनोशियम. ठीक है, हमने फर्स्ट लेक्चर में देखा था कि फ्लावर्स में जो रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं क्या क्या होते हैं, पिस्टल एंड स्टैमेन. ठीक है, तो ये जो पिस्टल है ये है हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर. तो ये पिस्टल मल्टीपल भी हो सकते हैं और सिंगल भी हो सकते हैं, डिपेंड ऑन द स्पेसिस ऑफ फ्लावर, स्पेसिस ऑफ प्लांट. ठीक है, अगर ये पिस्टल सिंगल रहा, ठीक है, पूरे फ्लावर में, जैसे हमने देखा के था कि जो एंड्रोशियम है, जो स्टैमेंस है, वो क्या है, मल्टीपल भी हो सकते हैं. ठीक है, वहाँ पे ऐसा कुछ स्पेसिफिक नहीं है क्योंकि सिंगल स्टैमेन हमने देखा नहीं है, क्योंकि पोलन ग्रेन को क्या करना पड़ता है, लॉन्ग डिस्टेंस में क्या करना पड़ता है, मूवमेंट करनी पड़ती है पोलिनेशन के लिए. तो इसीलिए वहाँ पे क्या होता है, एडेप्टेशन है फ्लावर्स में कि जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, स्टैमेन है, उनका जो नंबर होता है मल्टीपल होता है, और उसकी वजह से क्या होता है, थाउजेंड्स ऑफ पोलन ग्रेन बनते हैं. ठीक है, हर एक एंथर में थाउजेंड्स ऑफ पोलन ग्रेन बनते हैं, तो इससे क्या होता है, पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है पॉलिनेशन की एंड जर्मिनेशन की. लेकिन इन केस ऑफ फ्लावर, इन केस ऑफ फीमेल पार्ट ऑफ फ्लावर, कभी कभी क्या होता है, सिंगल पिस्टल भी होता है लाइक हिबिस्कस. ठीक है, और मल्टीपल पिस्टल्स भी होते हैं. जो सिंगल पिस्टल होता है उसे मोनोकार्पेलरी कह सकते हैं, मोनोकार्पेलरी. जो फ्लावर है उसे कहेंगे मोनोकार्पेलरी फ्लावर. जो फ्लावर में पिस्टल का नंबर सिंगल है, मतलब एक ही पिस्टल है, तो उस फ्लावर को कहेंगे मोनोकार्पेलरी फ्लावर. ठीक है, और जिनके पास मोर देन वन पिस्टल है उन्हें कहेंगे मल्टी कार्पेलरी फ्लावर. ठीक है, तो यहाँ तक सबको समझ में आया कि अगर पिस्टल एक है तो वो हो गया मोनो कार्पेलरी फ्लावर, अगर पिस्टल मल्टीपल है तो हो गया मल्टी कार्पेलरी फ्लावर. तो अब क्या होगा, ठीक है, तो यहाँ तक ठीक है, एक पिस्टल है, कोई क्या है, प्रॉब्लम नहीं है. अगर मल्टीपल रहे तो वो फ्यूज्ड भी हो सकते हैं और फ्री भी हो सकते हैं. ठीक है, अगर मल्टीपल मोर देन वन पिस्टल वहाँ पे अवेलेबल रहे तो वो फ्यूज फॉर्म में भी रह सकते हैं, उसे सिनकार्पस कहेंगे, सिनकार्पस पिस्टल्स, जो क्या होंगे, फ्यूज फॉर्म में होंगे. जैसे एनसीईआरटी में एक डायग्राम दी गई है, क्या है, बर्ड के जैसा दिख रहा है पिस्टल, जिसमें मल्टीपल पिस्टल तो है लेकिन क्या है, ऐसे फ्यूज फॉर्म में है, सब पिस्टल्स फ्यूज फॉर्म में है, इस तरीके से एक गाइनोशियम का पार्ट बन रहा है. ठीक है, और इसे क्या कहेंगे, मोनोकार्पस. मतलब ये क्या है, फ्री फॉर्म में होंगे, जैसे कि ये पिस्टल है, मल्टीपल पिस्टल्स, तो ये जैसे हमारी एनसीईआरटी में डायग्राम दिखाई गई है, तो ये क्या होंगे, फ्री फॉर्म में होंगे, सम वॉट लाइक दिस. ठीक है, तो ये क्या होंगे, फ्री फॉर्म में होंगे, फ्यूज्ड फॉर्म में नहीं होंगे, लाइक दिस. तो ये हो गया हमारे पिस्टल के जो नंबर है उसके हिसाब से इसका क्लासिफिकेशन. अब देखते हैं कि फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में क्या क्या है, पिस्टल का स्ट्रक्चर कैसा होता है. इट हैव थ्री पार्ट्स,
ये हो गया एक पर्टिकुलर पिस्टल का स्ट्रक्चर। इसमें थ्री पार्ट्स होते हैं। जो अपर वन होता है वो होता है स्टिग्मा, लॉन्ग फिलामेंटस स्टाइल जिससे ये अटैच होता है, एंड दिस इज बल्जी पार्ट, लोअर बल्जी पार्ट, दिस इज ओवरी, एंड दिस इज थैलस ऑफ फ्लावर। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर हमें पता है। ये हो गया हमारा पूरा पिस्टन। ये जो स्टिग्मा है इट इज पार्ट वेयर पोलन ग्रेन्स डिपॉजिटेड। ठीक है, यहाँ पे पोलन ग्रेन्स डिपॉजिट होते हैं, दैट इज स्टिग्मा। ये जो स्टाइल है हमने देखा था कि इसकी साइज भी वेरी करती है इन डिफरेंट स्पेसिस। अब ये जो स्टाइल है समटाइम्स समटाइम्स इट कैन बी हॉलो। ठीक है, ये जो इनके इनर लाइनिंग सेल्स है ये क्या होंगे, सेल्स जो एक्सटर्नल वॉल्स है वहीं पे होंगे, और जो इंटरनल स्पेस है वो हॉलो रहता है। लेकिन कुछ स्पेसिस में, कुछ प्लांट्स में ये जो पिस्टल है वो पूरी तरीके से क्या होता है, कॉम्पैक्टली अरेंज्ड होता है सेल्स से। ठीक है, कुछ इस तरीके से। तो इट कैन बी हॉलो और इट कैन बी व्हाट वी कैन से डेंस। ठीक है, तो ये क्या है, हॉलो भी हो सकता है, मतलब यहाँ पे अगर पोलन ग्रेन डिपॉजिट हुआ तो यहाँ से डायरेक्टली पोलन ट्यूब फॉर्म होके जो है पोलन ग्रेन्स जाएंगे ओवरी तक। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ये जो डेंस पार्ट है इसमें से इनको वे बना के पोलन ट्यूब बनानी पड़ती है। तो इस टाइप के दो टाइप के क्या हो सकते हैं, स्टाइल हो सकते हैं, जो क्या होंगे, कॉम्पैक्टली अरेंज्ड विद अ सेल होंगे, डेंस फॉर्म में होंगे, या फिर हॉलो हो सकता है। ठीक है, लास्ट ये जो बल्जी पार्ट है ये है ओवरी, जिसके अंदर होगा हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, दैट इज मेगास्पोर, उसे हम कहेंगे ओव्यूल। इसके अंदर क्या होगा, ओव्यूल होगा, और उसी के अंदर जो है हमारा मेगास्पोरोजेनेसिस बनेगा और फीमेल गैमेट बनेगा। ठीक है, तो ये जो एग्जैक्ट लोकेशन है ओव्यूल का वो कहाँ पे है, ओवरी पे है। तो आगे देखते हैं, जैसे हमने एंथर का ट्रांसवर सेक्शन देखा था, अब हम देखेंगे कि ओवरी का स्ट्रक्चर कैसा है एग्जैक्टली। इन ओवरी, ठीक है, कंसिडर इट इज आउटर वॉल ऑफ ओवरी। ठीक है, ये ओवरी का आउटर वॉल है। इन ओवरी ओव्यूल, जो ये ओव्यूल है विच इज अटैच टू ओवरी बाय प्लासेंटल टिश्यूज, टिश्यूज से अटैच होती है ये ओवरी, नोन एज प्लासेंटा। ये है ओवरी। ठीक है, ये ओवरी के अंदर टिश्यूज फॉर्म होते हैं, उसे कहते हैं प्लासेंटा, जिससे एक फिलामेंट ग्रो होगा, लॉन्ग फिलामेंट ग्रो होगा, और उससे ये ओवरी अटैच होगी। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो पोर्शन है दिस इज फिलामेंट, और वेयर फिलामेंट एंड ओवरी अटैचेस या फिर क्या कर सकते हैं जॉइंस, नोन एज हाइलम। ठीक है, इन मोस्ट ऑफ द एंजियोस्पर्म
ओवरी इज अपसाइड डाउन, ठीक है, एनाकार्पस। ओवरी कैसे होती है, इन्वर्टेड होती है, एनाकार्पस होती है। जैसे कि एनसीईआरटी में डायग्राम दिया गया है वो सीधी ओवरी का है, लेकिन एग्जैक्टली ओवरी में ये कैसे होती है, मोस्ट ऑफ द एंजियोस्पर्म में इन्वर्टेड होती है, ठीक है। तो ओवरी हैज दैट इज ओव्यूल, सॉरी ओव्यूल हैज टू टैगमेन स्ट्रक्चर इन देयर आउटर साइड, ठीक है। दिस इज टैगमेन, आउटर टैगमेन एंड दिस इज इनर टैगमेन। ठीक है, तो ओव्यूल्स को क्या होता है, आउटर कवरिंग होती है नोन एज टैगमेन। तो यहाँ पे टू टाइप्स के आउटर कवरिंग होती है, टैगमेन होते हैं आउटर एंड इनर। दैट मीन्स द ओव्यूल ऑफ एंजियोस्पर्म इज बाय टैगमेंटेड। बाय टैगमेंटेड ओव्यूल एंड एनाकार्पस means ovule is placed upside down in ovary, ठीक है। तो इस तरीके से एक structure होता है। अब ये जो portion है, ठीक है, ये जो portion है जहाँ से हमें दिख रहा है कि ये tagmen क्या हो रहे हैं, arise हो रहे हैं, form हो रहे हैं, तो इसे कहेंगे हम chalaza, chalazal pole या फिर chalaza। ये जो last portion दिख रहा है हाइलम के पास, वहाँ से क्या होंगे, ये टैगमेन अराइज होंगे, ठीक है। तो दिस पोर्शन इज नोन एज चलाजा। इनसाइड दिस इनर टैगमेन देयर इज अ मास ऑफ सेल, देयर इज डेंस मास ऑफ सेल्स नोन एज न्यूसेलस। दिस इज ओवरी, ठीक है, ओवरी के अंदर ये जो ओव्यूल है वो प्रेजेंट होगा न्यूसेलस के अंदर, जहाँ पे फीमेल रिप्रोडक्टिव गैमेट जो है फॉर्म होंगे। तो दिस इज द एग्जैक्ट स्ट्रक्चर ऑफ ओवरी। ठीक है, दिस इज नोन एज न्यूसेलस। ये क्या है, एक सेल का मास है जो क्या कहाँ होगा, इनर टैगमेन, इनर टैगमेन के अंदर होगा, जो कॉम्पैक्टली अरेंज होगा। और ये जो है इट हैव लार्जर, इट हैव हाईली नरिशिंग सेल्स, ठीक है। ये जो सेल है ये न्यूट्रिटिव होती है, बहुत ज़्यादा न्यूट्रिटिव होती है। एंड दिस इज दिस टाइनी ओपनिंग, ठीक है, ये जो टाइनी ओपनिंग दिख रही है तो इसे कहेंगे माइक्रोपाइल। This tiny opening is micropyle. So this is the structure of ovary. ठीक है, क्या क्या है, it is bitegmented. ठीक है, ये जो ovary है ये bitegmented है, क्योंकि उनका जो covering है, tagmen का covering, वो दो है, outer and inner. इनमें क्या है, chalaza है, और जहाँ पर ये filament को attach होगी, this portion is known as hilum. ठीक है, दिस लॉन्ग स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर इज फिलामेंट, ठीक है, और ये जो टिश्यू है दैट इज प्लासेंटा। अब ये हो गया ओवरी का स्ट्रक्चर, ट्रांसवर्स सेक्शन, ठीक है। दिस स्ट्रक्चर विल फॉर्म
दिस स्ट्रक्चर विल फॉर्म एज अ सीड. कोई भी अगर अगर आप सीड देखोगे तो वो कहाँ से बनेगा, इस स्ट्रक्चर से बनेगा. ये आगे जाके जो हम फ्रूट्स में का जो सीड होते हैं, वो जो सीड्स होते हैं वो किससे बनते हैं, दिस स्ट्रक्चर से बनते हैं. अब एग्जाम्पल देखते हैं कोई भी बिन का, ठीक है. दिस इज बिन. कोई भी एक बिन का स्ट्रक्चर देखते हैं. दिस इज सीड, ठीक है. अब ये एक सीड का स्ट्रक्चर है. अब ये जो पोर्शन है, ये जो क्या कर्व पोर्शन है, हम इसे यहाँ पे देखते हैं, उस साइड से देखेंगे इसको. इफ़ वी सी फ्रॉम दिस साइड, यहाँ पे ऐसे नॉचेस दिखेंगे, ठीक है. जब हम बिन को ऐसे इस तरीके से देखते हैं, इस साइड से देखते हैं, तो वहाँ पे क्या दिखता है, दिस काइंड ऑफ नॉचेस, ठीक है. तो ये क्या होता है, एक्चुअली दिस माइक्रोपाइल ओपनिंग, दिस एग्जैक्ट स्ट्रक्चर कन्वर्ट इनटू सीड, माइक्रोपाइल ओपनिंग. दिस इज हाइलम, ठीक है. ये जो हाइलम एंड दिस पार्ट, ठीक है, ये होता है हाइलम. तो ये क्या हो गया, सीड का स्ट्रक्चर हो गया जो बनेगा इस पोर्शन से. ये पूरा का पूरा जो है, आपको इसमें लेयर्स भी दिखेंगे, ठीक है. सीड के ऊपर से आपको लेयर्स भी दिखेंगे, दीज आर टैगमेंट्स. तो ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर आगे चल के क्या बनेगा, आफ्टर डेवलपमेंट वो बनेगा सीड. अब ये जो ओवरी है, उसके अंदर जो ओव्यूल फॉर्म होगा, वो एक सिंगल सेल से फॉर्म होगा. कौन सी सेल, जो यहाँ पे जो माइक्रोपाइल में एक माइक्रोपाइल एंड को एक सेल होगी, जो लार्जर सेल होगी वो क्या होगी, उसमें मियोसिस होगा, वो डेवलप होगी और वो एक सेल एक्ट विल एक्ट एज अ एमएमसी. हमने ये देखा था, ठीक है. कब देखा था, पोलन ग्रेन फॉर्मेशन में, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में, वहाँ पे ये क्या था, माइक्रोस्पोर मदर सेल. लेकिन यहाँ पे ये सेल क्या एक्ट करेगी, मेगास्पोर मदर सेल. ठीक है, ये एक सिंगल सेल जो माइक्रोपाइल एंड को है वो जाके डेवलप होगी और एक्ट करेगी मेगास्पोर मदर सेल एंड फॉर्म करेगी एक कंप्लीट ओव्यूल, जिसके अंदर मेगास्पोर बनेंगे, ठीक है, फीमेल गैमेट बनेंगे. तो हमने अभी क्या देखा, ओवरी में या फिर गाइनोशियम में हमने देखा मोनोकार्पेलरी क्या होता है, मल्टीकार्पेलरी क्या होता है, सिनकार्पस क्या होता है, मोनोकार्पस क्या होता है, ठीक है. तो मल्टीकार्पेलरी में क्या होगा, यूजुअली सिंगल पिस्टिल जो होता है, सिंगल पिस्टिल, दैट मीन्स मोनोकार्पेलरी फ्लास्क प्रेजेंट होते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम एंजियोस्पर्म में. लेकिन अगर पिस्टिल अगर मल्टीपल हुए तो उन्हें क्या कहा जाएगा, मल्टीकार्पेलरी, ठीक है. अब ये जब मल्टीपल होते हैं, मल्टीपल इन नंबर होते हैं, तो समटाइम दे आर इन फ्यूज्ड फॉर्म, तो उसे हम सिनकार्पस कहेंगे, और समटाइम दे आर इन फ्री फॉर्म, तो उसे हम क्या कहेंगे, हम उसे कहेंगे मोनोकार्पस, ठीक है. अब ये हो गया पिस्टिल का एक्सटर्नल स्ट्रक्चर. अब हमने देखा पिस्टिल का एग्जैक्ट स्ट्रक्चर क्या होता है, जो थ्री पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी, ठीक है. स्टिग्मा है क्या है, इट इज़ अ पोर्शन वेयर पोलन ग्रेन एग्जैक्टली गोइंग टू डिपॉजिट, ठीक है. स्टाइल क्या होता है, इट इज कनेक्टिव बिटवीन ओवरी एंड स्टिग्मा, ठीक है. इट इज़ अ फिलामेंट स्ट्रक्चर विच कनेक्ट स्टिग्मा एंड ओवरी. ओवरी, ठीक है, ओवरी के अंदर एग्जैक्टली हमारे मेगास्पोर मदर सेल्स होंगे, ओव्यूल होगा, ठीक है. अगर हम देखें कि ओवरी का स्ट्रक्चर कैसा होता है, वो था एनाकार्पस. इन एंजियोस्पर्म इट इज़ इन्वर्टेड, ठीक है, अपसाइड डाउन. आपने 11th में भी ये पढ़ा होगा, मॉर्फोलॉजी इन फ्लावरिंग प्लांट्स में, ठीक है. अब ये जो ओवरी से कनेक्टेड होती है, ये कनेक्टेड होती है प्लासेंटल टिश्यूज से, ये टिश्यू से अटैच होती है, नोन एज प्लासेंटा. प्लासेंटा हमने पहले भी सुना होगा,
इट इज़ पार्ट ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन बींग्स ऑल्सो. ठीक है, जो मदर जो फीमेल मदर होती है ह्यूमन बींग्स की लाइक अस, ठीक है, तो उसके जो ऊम में बेबी ग्रो होता है तो वो कनेक्टेड होता है मदर से प्लासेंटा से. ठीक है, टू क्या कह सकते हैं हम, वाटर नरिशमेंट ब्लड जो है माँ से लेके बच्चे को या फिर फिटस को जो प्रोवाइड करता है वो होता है प्लासेंटा. तो उसी तरीके से ओवरी में ये जो टिश्यूज़ हैं वो कनेक्ट करेंगे ओव्यूरी को, ओवरी को, ओवरी की बॉर्डर को एंड इनसाइड ओव्यूल को. ठीक है, तो हमने इसमें क्या देखा कि दीज आर बाय टैगमेंटेड. ठीक है, बाय टैगमेंटेड मतलब क्या है, टू टैगमेंट्स होंगे, आउटर टैगमेंट एंड इनर टैगमेंट. उसके बाद यहाँ पे हमने चलाजा देखा जो क्या है, कनेक्टेड है हाइलम से, वहाँ से ये टैगमेंट्स ग्रो होंगे, सेपरेट होंगे. ठीक है, फिलामेंट हमने देखा, न्यूसेलस स्ट्रक्चर जो क्या है, हाईली नरिशिंग स्ट्रक्चर है, कॉम्पैक्टली अरेंज है मल्टीपल सेल्स से. ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे सेल्स होंगे जो साइटोप्लाज्मिकली रिच होंगे न्यूट्रिएंट्स के लिए. जैसे हमने कहा कि ये स्ट्रक्चर पूरा बनेगा सीड, और इस सीड से बनेगा नया प्लांट, तो ये क्या है यहाँ का जो है इनका फूड स्टोर एरिया है. ठीक है, फूड स्टोरिंग एरिया है, हाईली नरिशिंग एरिया है. ये जो टाइनी एंड दिख रहा है जो क्या है, जहाँ पे हम एक स्पेस देख रहे हैं, टाइनी स्पेस देख रहे हैं जहाँ पे ये टैगमेंट्स अटैच नहीं है, तो इसे कहेंगे हम माइक्रोपाइल. ठीक है, और माइक्रोपाइल पोल. अब इसके अंदर ये जो मेगा, यहाँ पे जो ये सेल्स है उसमें से बस एक सेल विल एक्ट एज अ मेगास्पोर मदर सेल. ठीक है, वो फर्दर मेगास्पोरोजेनेसिस में, फर्दर डेवलपमेंट में एक ही सेल काम करेगी, और वो मियोसिस क्या करेगी, मियोसिस शो करेगी, और ये सेल बनेगी आगे चल के ओव्यूल, एक कंप्लीट ओव्यूल जो प्रोड्यूस करेगा फीमेल गैमेट. ठीक है, तो इसके आगे के लेक्चर में हम देखेंगे मेगास्पोरोजेनेसिस, एग्जैक्टली ये सेल जो मेगास्पोर मदर सेल है उसमें क्या चेंजेस होंगे, क्या मैकेनिज्म होगा जिससे ये फीमेल मदर स्पोर्स बनेंगे. ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में. थैंक यू.